पक्की सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी मार्केट में दिन दहाड़े चाकू लेकर महिला को धमकाने वाले लड़कों को गिरफ्तार किया। लड़के का महिला को धमकाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अब भी एक आरोपी फरार है। तो एक खबर यहां पर सामने आई है, दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी मार्केट में दिन दहाड़े चाकू लेकर महिला को धमकाने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो लगातार वायरल हुआ, वीडियो के आधार पर फिर छानबीन शुरू हुई और अब इन लड़कों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और लड़के का महिला को धमकाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया का हिस्सा बना, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब भी एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। और तस्वीर भी आप देखिए, वीडियो भी आप देखिए, सोशल मीडिया में लगातार वायरल है किस तरीके से ये तीन युवक यहां पर पहुंचते हैं, जिनमें से एक नाबालिग है, एक फरार है, एक को गिरफ्तार किया जा चुका है, हाथ में चाकू है और सामने खड़ी महिला को धमकाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। कोई बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम देने आए थे, लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने इनकी छानबीन करनी यहां पर शुरू की, जिसमें एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और जो तीसरा आरोपी है वो अब भी फरार है, उसकी तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। 22 सितंबर 2024 का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसके आधार पर छानबीन जब हुई तो पुलिस अब भी एक आरोपी की तलाश यहां पर कर रही है।